महादेव सट्टा ऐप का मामला, चार आरोपी और गिरफ्तार किए गए। लगातार गिरफ्तारियों का सिलसिला, ये सभी महाराष्ट्र से इनकी गिरफ्तारी हुई है, महाराष्ट्र के पुणे से। और ये जो गिरफ्तार आरोपी हैं, एक बिलासपुर का रहने वाला है, तीन दुर्ग के रहने वाले हैं, चारों छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं। 22 मोबाइल, 3 लैपटॉप, 27 एटीएम कार्ड इनके पास से बरामद हुए हैं। सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, युगल के पास लिए चलेंगे। युगल, लगातार गिरफ्तारियों का सिलसिला, चार और गिरफ्तारियां पुणे से। जी जी बिल्कुल ललित, देखिए महादेव सट्टा ऐप को लेकर के पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। 3 महीने के भीतर 11 ठिकानों पर दबिश दी गई है, जिसमें दिगर राज्य भी शामिल हैं, और साथ ही साथ लगभग 100 से अधिक जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की गई है। हजारों बैंक पासबुक के जो डिटेल्स हैं वो मिले हैं, जब्त भी किए गए हैं, और लगभग 1000 से भी अधिक ऐसे अकाउंट्स का पता लगाया गया है जिसमें बेशुमार जो पैसे हैं उसका ट्रांजैक्शन हुआ है। बड़ी कार्रवाई इसे कहा जा सकता है। और आज महाराष्ट्र पुणे से चार आरोपियों की गिरफ्तारी है वो की गई है, जिसमें एक बिलासपुर का रहने वाला है और 3 दुर्ग के रहने वाले हैं। और जिस तरह से अभी पुलिस के जो जांच में पता चला है कि महादेव सट्टा ऐप का जो संचालन करने वाला दुर्ग का ही रहने वाला है और विदेशों में ही रह के कई राज्यों में इसका संचालन हो रहा है, तो उस दिशा में अब पुलिस काम कर रही है ताकि महादेव सट्टा ऐप और उसके जो लिंक्स हैं उस पर जो प्रतिबंध है वो लग सके। लगातार कार्रवाई है की जा रही, ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है, और पुलिस को नए नए जब भी इनपुट्स मिलते हैं और इसके जो सहायक जो लिंक हैं उस पर जब भी इस तरह के सट्टेबाजी की जाती है तो पुलिस वहां पर सुनियोजित तरीके से जा करके दबिश देती है और आरोपियों की गिरफ्तारी है वो कर रही है। लेकिन ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है, लेकिन महादेव सट्टा ऐप पर जब तक प्रतिबंध नहीं लगेगा, बड़ी कार्रवाई नहीं होगी, तो इस तरह के जो बुकीज हैं वो लगातार सट्टा खिलाने का काम है वो करते रहेंगे। ललित बिल्कुल, लगातार ये जो एक्शन है वो लिया जा रहा है और लगातार नई जानकारियां भी सामने आ रही। बहुत धन्यवाद आपका युगल इस तमाम जानकारी के लिए। और युगल हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। इसके अलावा सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी ने प्रदेशों के जो प्रभारी हैं और सह प्रभारी उनका ऐलान कर दिया है। डॉक्टर महेंद्र सिंह मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी संभालेंगे और सतीश उपाध्याय होंगे मध्य प्रदेश के सह प्रभारी। छत्तीसगढ़ में नितिन नवीन को फिर से जिम्मेदारी दे दी गई है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रभारियों और सह प्रभारियों के नाम का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश में क्या अपडेट है वो आप इस वक्त देख रहे हैं। डॉक्टर महेंद्र सिंह मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी संभालेंगे जबकि सतीश उपाध्याय सह प्रभारी होंगे। इधर छत्तीसगढ़ में जो नितिन नवीन है वो प्रभारी बने रहेंगे। और मध्य प्रदेश में क्या चेंज है वो हम आपको बता रहे हैं। पवन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, क्या अपडेट प्रभारियों को लेकर, बड़ा अपडेट आया है? देखिए, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 24 राज्यों और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके प्रभारी और सह प्रभारियों की घोषणा की है, जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों शामिल हैं। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो जिस तरह से आपने देखा कि चुनाव में जो अब चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी बनाए गए थे डॉक्टर महेंद्र सिंह और सतीश उपाध्याय, उन्हीं को अब प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी है, क्योंकि चुनाव में दोनों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। आपने देखा कि 29 में से 29 सीटें जो हैं वो बीजेपी जीत के आई है मध्य प्रदेश के अंदर की अगर बात करें, और वहीं छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो 11 में से 10 सीट बीजेपी वहां जीती है, तो ऐसे में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तो उसके चलते ये दोनों प्रभारी और सह प्रभारी, अगर डॉक्टर महेंद्र सिंह जो कि उत्तर प्रदेश से एमएलसी हैं, उनके साथ साथ सतीश उपाध्याय जो दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष हैं, उनको प्रभारी और सह प्रभारी जिम्मेदारी दी है। और अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो बिहार के जो विधायक हैं नितिन नवीन, उनको छत्तीसगढ़ में फिर से रखा गया है, क्योंकि लगातार चुनाव के दौरान बहुत अच्छा काम किया, संगठन को एक साथ जोड़ के रखने के उन्होंने काम किया, इसके चलते लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन पार्टी ने किया है, तो उनके चलते इन दोनों ही नेताओं को इनाम दिया गया है और उनको फिर से उस राज्य की जिम्मेदारी दी गई है। बिल्कुल, अब छत्तीसगढ़ की बात कर ले जाए, नितिन नवीन को फिर से जिम्मेदारी, जैसा आपने कहा उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी, हालांकि ओम माथुर के बाद बहुल सोल जिम्मेदारी उन्हें दे दी गई थी, दोनों ही जगह ऐसा लगता है कि ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए तब्दीलियां नहीं की गई हैं। पवन, ये तो तय माना जाए ना? देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से लोकसभा चुनाव में पार्टी ने संगठन स्तर पर बहुत अच्छा काम किया, उसके बाद में उसका परिणाम जो है आपको लोकसभा चुनाव में देखने को मिला,
चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात हो या मध्य प्रदेश की बात हो। तो इससे ये साफ मैसेज जाता है कि दोनों ही प्रदेशों में इन सभी नेताओं ने जमीनी स्तर पर बहुत ज्यादा मेहनत की थी, जमीन का अंदाज लगाकर बहुत अच्छी मेहनत की थी, जिसका परिणाम आपको लोकसभा चुनावों में देखने को मिला। तो उसके चलते फिर से पार्टी ने इन नेताओं पर भरोसा जताया है और भरोसे में इनको फिर से वहां का प्रभारी बनाकर जिम्मेदारी सौंपी है, जिससे कि राज्य में जाके और ज्यादा अच्छी तरीके से ये लोग संगठन को मजबूत कर सकें। चलिए, धन्यवाद पवन इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी पवन विस्तार से जानकारी दे रहे थे। दोनों जगह का जिक्र उन्होंने किया, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का। मध्य प्रदेश में प्रभारी सह प्रभारी, जबकि छत्तीसगढ़ में पूरी जिम्मेदारी दी गई है नितिन नवीन को। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, खबरें जारी रहेंगी।